हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिरला करियर एकेडमी। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे हॉर्टिकल्चर क्रॉप की इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि हमको क्रॉपको का जो नया पोर्शन स्टार्ट किया था हमने हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी के बाद हमने स्टार्ट किया था हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हम पढ़ रहे थे ग्रेप क्रॉप, उसके पहले हम सिट्रस क्रॉप और बनाना क्रॉप को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले मेरे आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको क्रॉपको के लिए और अभी ADA के लिए और आपको IBPS F4 नाबार्ड के लिए तो ऐसे हेल्पफुल है ही ये वीडियो हमारा, तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। और जो हॉर्टिकल्चर हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम सिट्रस क्रॉप और बनाना क्रॉप को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जिस भी फ्रेंड ने वो वाले वीडियो पिछले ना देखे हॉर्टिकल्चर क्रॉप के, तो जरूर देख ले, ताकि आपका सीक्वेंस बना रहेगा क्रॉपको एग्जाम के लिए और ADA और IBPS F4 नाबार्ड सब एग्जाम के लिए जो सीक्वेंस आपका बना रहेगा। और आगे मैं बताते रहूँगा लिंक वाइज आपको, तो पिछले वीडियो आपको देखना यहाँ से जरूरी हो जाएगा, इसलिए आप पिछले वीडियो जरूर देख ले। आज हम बात करें ग्रेप क्रॉप के पार्ट टू की, क्योंकि पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ पहले ही, और जो ग्रेप क्रॉप के बारे में इन्फॉर्मेशन थी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे आपके लिए, और मैक्सिमम पोर्शन था वो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद में आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं स्पेसिंग की चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्पेसिंग कितनी रखना है ग्रेप क्रॉप में, आपको 3x2 वर्ग मीटर। ये स्पेसिंग आपको हर चीज़ के बारे में दो दो पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे टेम्परेचर की बात करते हैं, उसमें दो तीन पॉइंट आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम का पैटर्न है वो इसी आधार पर आ रहा है कि कुछ भी आपको टारगेट देगा वो, कि इसमें इस कंडीशन में आप क्या करोगे सोयल का, इस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है। तो आपको यहाँ से स्पेसिंग का याद रखना है 3x2 वर्ग मीटर मस्कट वेराइटी के लिए, जो ग्रेप की वेराइटी होती है मस्कट, उसके लिए पूछे तो 3x2 वर्ग मीटर। और अदर वेराइटी आए या फिर कुछ वेराइटी दे के नहीं रखे क्वेश्चन में, तो आपको क्या लगाना है वहाँ पर 4x3 वर्ग मीटर। अदर वेराइटी या फिर जो मस्कट के अलावा जो क्वेश्चन आएगा उसमें 4x3 वर्ग मीटर। आपको मस्कट का इसलिए बताया मैंने वेराइटी, क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछ लिया था क्वेश्चन, और यहाँ पर बच्चों ने 4x3 लगाया जो कि गलत था, यहाँ पर 3x2 वर्ग मीटर यहाँ पर क्वेश्चन में आएगा आंसर इसका। अब कुछ वैरायटी है यहाँ पर जो कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए डेवलप की गई है, और उन वैरायटियों को उसी उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, और जो इकोनॉमिकल रहता है उसका उसको उद्देश्य को पूर्ति की जाती है उस वैरायटी से। तो सबसे पहले रेजिन ग्रेप की बात करते हैं, उसके बाद वाइन के लिए करेंगे। रेजिन ग्रेप इसके लिए कौन सी वैरायटी है, थॉमसन सीडलेस की मैंने कल भी बात की थी आपसे। थॉमसन सीडलेस वैरायटी जो है रेजिन बनाने के लिए इकोनॉमिकली लगाई जाती है, और उसका उसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात करें हम वाइन ग्रेप्स यानी कि जो शराब बनाई जाती है इससे, तो उसके लिए स्पेशली कौन सी वैरायटी लगाई जाती है, तो वाइन ग्रेप्स के लिए मशहूर कौन सी है, एक तो आपकी है बेंगलोर ब्लू, एक तो हो गई बेंगलोर ब्लू, और दूसरा अर्का चंदन। ये दो वैरायटी स्पेशली आपको वाइन यानी कि शराब बनाने के लिए उपयोग की जाती है इकोनॉमिकली। इन वैरायटियों को केवल इसी पर्पज़ से लगाया जाता है और इन उद्देश्यों की इनसे पूर्ति की जाती है। अब बात करते हैं, हम लास्ट स्टेज पे आ गए हैं ग्रेप की क्रॉप के बारे में, तो हम हार्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। ऐसे ग्रेप के हार्वेस्टिंग के बारे में चर्चा करते हैं हम, कि जो इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं हम, तो इसमें शुगर और एसिड का रेशियो कितना होना चाहिए जब हार्वेस्टिंग होती है उस स्टेज में, या फिर किस स्टेज में हम हार्वेस्टिंग करते हैं, किसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। शुगर और एसिड का रेशियो, तो दोनों का 25:3 या फिर 25-30 के बीच में इसका रेशियो बनता है शुगर और एसिड का रेशियो। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इसके जो एक्सपोर्ट क्या है, आपको मैंने कल बताया था इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, एक्सपोर्ट किसको करते हैं, हम कौन से कंट्रीज को करते हैं एक्सपोर्ट ग्रेप्स का। तो एक जो एक्सपोर्ट के लिए वैरायटी है आपकी, एक्सपोर्ट मार्केट, इसके लिए क्या क्या रिकमेंडेशन है, क्या क्या इसके लिए विशेषताएं होनी चाहिए एक ग्रेप्स में एक अंगूर में। सबसे पहले बेरी, आपको कल मैंने बताया था बेरी क्या है,
जो अंगूर का फ्रूट का टाइप होता है, फल का प्रकार होता है, उसको बेरी बोलते हैं और उसके पुष्पक्रम को पिनिकल बोलते हैं। कल के वीडियो में चर्चा की थी। तो बेरी जो उसका फल का प्रकार है, तो बेरी का साइज कितना होना चाहिए, इसका डायमीटर 16 mm से अधिक होना चाहिए, यानी कि मोर देन 16 mm होना चाहिए डायमीटर बेरी का, अंगूर की जो बेरी है उसका। उसके बाद इसकी TSH वैल्यू कितनी होना चाहिए, जो अंगूर की जो बेरी रहती है उसका TSH कितना होना चाहिए, 17 से अधिक होना चाहिए। इसको वृक्ष में मापा जाता है, 17 वृक्ष से अधिक होना चाहिए इसका TSH। उसके बाद में जो बंच रहता है उसका गुच्छा, अंगूर का जो गुच्छा होता है, आइडियल की बात कर रहा हूँ कि अंगूर का जो गुच्छा होता है उसका आइडियल वेट कितना होना चाहिए, उसका वजन कितना होना चाहिए, तो 300 से लगाकर 750 यानी 750 ग्राम तक उसका जो है वेट होना चाहिए। उसके बाद बंच का कलर किस प्रकार का होना चाहिए, जो बंच एक बार में आपको दिखता है तो उसका कलर किस प्रकार से होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको बहुत ही क्लोज देगा, मिल्की ग्रीन, उसके बाद में लाइट ग्रीन, इस प्रकार के ऑप्शन रहेंगे, तो आप कन्फ्यूज होगा कि एक पॉइंट रखना है आपको मिल्की ग्रीन, कौन सा कलर होना चाहिए बंच का, मिल्की ग्रीन कलर का होना चाहिए बंच ने। अब हार्वेस्टिंग भी हो गई है हमारी, एक्सपोर्ट भी कर दिया है हमने, अब हम लास्ट पॉइंट पे आ गए यहाँ पर यील्ड पर। अब यील्ड की बात करेंगे तो हमारे यहाँ से ग्रेप समाप्त हो जाएगा। अब बात करेंगे किसकी, यील्ड की। यील्ड की बात करते हैं, सबसे पहले सीडलेस वैरायटी की बात करेंगे हम, जैसे थॉमसन सीडलेस की बात की थी, इस प्रकार से वैरायटी जो आती है बहुत सारी सीडलेस वैरायटी जिसमें बीज नहीं होता है, उनकी यील्ड कितनी होती है, तो 15 टन। ये टन में किस प्रकार से, ये पर हेक्टेयर की बात कर रहा हूँ और पर ईयर की बात कर रहा हूँ, यानी कि एक साल में एक हेक्टेयर में 15 टन का उत्पादन होता है सीडलेस वैरायटी जितनी होती है उनसे। मस्कट वैरायटी की बात करें हम, मस्कट वैरायटी से कितनी यील्ड होती है हमको, तो इसका डबल कर लीजिएगा यहाँ से, यानी कि 30 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। आगे हम बात करें, एक आपकी आती है वैरायटी एनाबे शाही वैरायटी, बहुत ही मशहूर वैरायटी है अंगूर की एनाबे शाही, तो इसकी जो है 20 टन पर हेक्टेयर पर ईयर यील्ड होती है। उसके बाद में अर्का हाइब्रिड की बात करें हम, अर्का हाइब्रिड वैरायटी, इसकी कितनी होती है यील्ड, इसकी भी सेम टू सेम 20 टन पर हेक्टेयर और पर ईयर। तो दोस्तों ये आपकी थी ग्रेप यानी कि अंगूर क्रॉप, इसकी हमने शुरू से लगाकर जो बोटनिकल नेम से लगाकर उसकी हार्वेस्टिंग यील्ड तक की बात, टोटल बात की हमने, और हर चीज़ के हर पहलू को इस प्रकार से जाना है ताकि आपको क्रॉप को IBPSFO NABARD सब के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि जो वीडियो पिछले है वो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से मैंने आपको बताया था, तो पिछले वीडियो जरूर विजिट करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहेगा, और जो भी वैकेंसी आती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम आपको अपडेट कराते रहते हैं, और हमारे व्हाट्सएप नंबर भी दिए रहते हैं नीचे, आप उसमें हाई लिख के सेंड कर दीजिएगा आपके नाम और आप कहाँ से उसका एड्रेस, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा हमारे, और आपको जो भी हेल्पफुल आपके लिए PDF रहेगी या फिर प्रोफेसर के पेपर रहेंगे उनको आपको मैं प्रोवाइड करवाते रहूँगा टाइम टू टाइम, तो आप उस पर उसको कर दीजिएगा और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।